हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? आई होप यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको ऑन पसोन और पॉन प्रमोशन के बारे में बताया था, और आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल रूल के बारे में जिसे कैसलिंग कहा जाता है। अब जानते हैं कैसलिंग क्या होती है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैसलिंग एक ऐसा मूव है जिसमें कोई भी प्लेयर किंग और हाथी को एक ही टाइम पर मूव कर सकता है। आप किंग साइड से भी कैसलिंग कर सकते हैं और क्वीन साइड से भी। दोस्तों, कैसलिंग इसलिए जरूरी चाल होती है क्योंकि इससे ना दो मकसद पूरे होते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक तीर दो निशाने। पहला, कैसलिंग किंग को बोर्ड के सेंटर से दूसरे एक सेफ पोजीशन में पहुंचा जाती है, और दूसरा, कैसलिंग हाथी को बोर्ड के बीच में एक एक्टिव पोजीशन में रखती है। देखिए, इस चाल को चलने के लिए ना आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन रूल्स के बारे में, ठीक है? रूल नंबर वन, आप ये नहीं कर सकते अगर किंग और हाथी के बीच में कोई और पीस रखा है तो। रूल नंबर टू, याद रखिए कैसलिंग तभी की जा सकती है जब किंग ने कोई चाल ना चली हो, और जिस हाथी की तरफ हम कैसलिंग कर रहे हैं वो भी पहले ना चलाओ। ओके, एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको। अगर किंग D1 पर आता है और किसी भी रैंडम चाल के बाद E1 पर वापस चला जाता है तो किंग कैसल नहीं कर सकता। इस तरह से अगर हाथी A5 पर जाता है और फिर वापस A1 पर जाता है तो किंग इस हाथी के साथ कैसलिंग नहीं कर सकता, ठीक है? पर E1 वाला किंग H1 वाले हाथी के साथ दूसरी तरफ कैसलिंग कर सकता है। ये E1 वाला किंग और H1 वाला हाथी मूव नहीं किए गए हैं तो। रूल नंबर 3, आप चेक से कैसल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में व्हाइट किंग किंग की तरफ कैसलिंग नहीं कर सकता क्योंकि C4 वाली ब्लैक क्वीन F1 चौकोर को कंट्रोल कर रही है और किंग चेक से पास नहीं कर सकता, तो आप इस साइड कैसल नहीं कर सकते। ओके, पर हाँ, आप दूसरी तरफ कैसल कर सकते हैं। रूल नंबर 4, आप कैसल नहीं कर सकते अगर आपका किंग चेक में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक क्वीन C4 से E5 तक आ जाती है तो व्हाइट वाला किंग चेक में आ जाएगा, ठीक है? और E1 वाला व्हाइट किंग इस चेक को एस्केप करने के लिए कैसल नहीं कर सकता है। चलिए बात करते हैं कि भाई कैसलिंग कैसे की जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कैसलिंग तभी की जा सकती है अगर किंग और हाथी के बीच में कोई और पीस ना रखा हो, राइट? अब आप किंग को हाथी की तरफ दो चौकोर आगे बढ़ाएंगे और हाथी को किंग की दूसरी तरफ बढ़ाएंगे। ओके, याद रखिए कैसलिंग दो तरह की होती है। किंग साइड की कैसलिंग के बारे में बात करेंगे, इसे शॉर्ट कैसलिंग भी कहा जाता है। इसे करने के लिए व्हाइट किंग को E1 से G1 मूव करना होता है। इस समय सफेद हाथी को H1 से F1 तक मूव करना होता है। ओके, इसे कहते हैं किंग साइड की कैसलिंग। चलिए अब समझते हैं कि भाई क्वीन साइड की कैसलिंग क्या होती है। इसे लॉन्ग साइड कैसलिंग भी कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इसे करने के लिए आपको व्हाइट किंग को E1 से C1 तक मूव करना होगा और इसी समय व्हाइट हाथी को A1 से D1 तक। ओके, इसे क्वीन साइड की कैसलिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लेसन के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कैसलिंग समझ में आ गई होगी और अब आप अगले गेम में इसको यूज कर पाएंगे। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गोल्डन रूल के बारे में जो होता है चेस बोर्ड के सेंटर को कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।